हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज आप सबका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और हमने आज मॉर्निंग की शुरुआत अपने छत से करी है, और कहीं आसपास किसी क्षेत्र में बारिश हुई है तो मौसम ठंडा है ना। और देखिए, गुड़िया से मैं मिलाता हूँ, देखिए पौधों में पानी डाल रही है। पानी डालते हुए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब जहाँ भी होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। yes. और सुबह की शुरुआत हो गई है, हम लोग आज छत पे आए हैं। ठंडा लग रहा है छत? हाँ, ठंडा तो है, कमरे गर्मा रहे हैं। नीचे का टेम्परेचर कुछ और है, छत का कुछ और है। और ठंडा ऐसा नहीं, ठंडी हवा लग रही है। और आज इत्तेफाक से शीतलाष्टमी है, इसलिए शायद ठंडा है। इसीलिए माता शीतला का आशीर्वाद है। और दोस्तों ये देखिए फूल। हाँ, आजकल गर्मी अब आ गई ना, पानी डेली डालना पड़ता है। और भाई डालो तब भी सूख जाए, हमें ध्यान भी रखना पड़ता है प्लांट का। देखिए गुड़िया सारे पौधों में वन बाय वन करके पानी डाल रही है ना। कबीर वहाँ से गया छुट्टी है, तो वो जानते हैं जिस दिन छुट्टी होती है ना, तो थोड़ा आधा पौन घंटा एक्स्ट्रा स्लीप नींद मार लेते हैं, है ना। तो दोस्तों अभी भी जस्ट हम लोग नीचे आए हैं, और कबीर अभी भी सो रहे हैं, ठीक है ना। छुट्टी का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए, चलो इनको सोने देते हैं, चलते हैं। हमारी गुड़िया रानी क्या कर रही है, ये देखिए चाय बनाने की तैयारी। ओहो, ओहो चाय बन गई है। अच्छा, मुझे लगा था चाय, इसलिए अभी दूध नहीं डाला इन्होंने, मलाई निकाल रही थी। और गुड़ भी डाला है, गुड़ा भी लास्ट डाल रहे हैं ना। अच्छा, हम लोगों ने गुड़ की चाय पीते हैं हम, और ये कबीर बस चीनी की पीता है हल्की। चाय तैयार, मलाई वाली। और जिस किसी को भाई पीनी है तो आ सकता है ना, सुबह की चाय भी हमारे साथ है ना। ये तो है, देखिए गुड़ है हमारे, ये डालते हैं लोग चीनी का। कहते हैं गुड़ की चाय कैसे बनाती है, हमारी तो फट जाती है। हाँ हाँ, थोड़ा ये बताओ व्यूअर्स को कैसे मतलब चाय पूरी खोल जाए, मतलब नहीं स्टार्टिंग से एक बार जरा बता दो ऐसे। अरे जब जैसे चाय बन रही है बस खोल जाए, उसके बाद लास्ट में गुड़ डाल के थोड़ा पका ले, वरना पहले डाल देंगे तो फट जाती है। अच्छा, सब लोग कहते कैसे बनाते हैं, चाय फटती नहीं है, तो लास्ट में गुड़ डाला जाता है। ये देखिए, ये देखिए ये 2 कप के लिए ना, बढ़िया गुड़ है, देसी गुड़। ये देखिए जैसे काला नमक नहीं होता, ये डाल दिया। चलिए दोस्तों इनको बनाने देते हैं चाय। चाय गरम गरम चाय आपके साथ। हाँ फ्रेंड्स, देखिए मेरी चाय फिनिश हो गई है, ये अब स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ठंडी चाय पीते हैं, नॉर्मल एकदम ठंडी हो गई फ्रेंड्स चाय, तब पी रहे हैं। और फ्रेंड्स जब हम लोग चाय पी चुके हैं और कबीर तब उठे हैं, ये नहीं कि पहले ही आवाज़ लगा देते कि मम्मी मेरी भी चाय बना दो। हाँ गाइस, और अगर मैं चाय पी रही होती और ये नहीं पीता तो मैं चाय पीने भी मन नहीं लगता। तो मैंने अब जल्दी जल्दी चाय पी ली, मैं जा रही हूँ इसके लिए। चाय राधे राधे नहीं करा। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज तुम्हारी स्कूल की छुट्टी शीतलाष्टमी है ना? आज फ्रेंड्स शीतलाष्टमी है, तो रोज सुबह उठते थे तो गर्मी लगती थी, आज ठंडा लग रहा है। माता जी का आशीर्वाद है तो शीतल है। हाँ आज एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, साल भर ऐसी शीतलाष्टमी रहे तो ठंडा ठंडा रहे। 365 दिन गर्मी नहीं बर्दाश्त होती ना। हम चाहते हैं कि 365 दिन शीतला माँ अपना आशीर्वाद हम सब पे रखे, शीतल शीतल रहे। तो चलो कबीर, मैं तुम्हारे पहले एक कप चाय बना दूँ ना। चाय बना दो। क्या हो रहा है भाई? कॉफी बना रही हैं। और लंच पे रखा है कि नहीं?
टाइम हो गया है मेरे ऑफिस निकलने का, है ना, तो मैंने कहा चलो चलो इनको कॉफी बना ले देते, खाना कितने 5 मिनट में हो जाएगा सारा। हाँ, जब तक कॉफी पिए ना, पैक कर देंगे, बना के सब है। ठीक है, गरम गरम पैक करो ना, तो फिर वो, हाँ, वो अजीब सा लगता है। हाँ, वो रोटी भी पसीज जाती है ना, ठंडा करके डालेंगे। चलिए दोस्तों, इनको पैक करने देते हैं। और फ्रेंड्स, ये भी आ गए हैं, शाम का समय हो गया है और हमारी चाय का भी समय हो गया है। चाय बन गई है गरम गरम, और ये देखिए आते ही लेट गए हैं, थक गए हैं, थकान हो गई दोस्तों। तो मैंने गुड़िया से कहा कि एक कप चाय पिलाओ, इससे एनर्जी आ जाए, और चाय के साथ मैं खा रहा हूँ दोस्तों बिस्किट। आज लाए हैं ये बिस्किट, कौन सा, मल्टीग्रेन ना, मल्टीग्रेन है, तो कितने इसमें वो हार्ड है इसके ग्रेन्स, बहुत टाइट हो रखा है। आप भी ट्राई करिए दोस्तों, मुझे तो नहीं पसंद ऐसे बिस्किट। और आते ही इन्होंने लगा दिया मैच, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लखनऊ और रायबरेली का मैच, सॉरी रायबरेली, बेंगलोर का रायबरेली, लखनऊ और जिला रायबरेली, तो मजा आ रही देखने में, वही देख रहा हूँ, अपने लखनऊ में बैटिंग कर रहा है। और कबीर ये पीछे कमरे में, मुझे लगा पढ़ रहे हैं, ये तो चला रहे हैं मोबाइल। अच्छा, ब्रेक लिया इन्होंने। तो मैं भी पीती हूँ चाय, मेरी आजकल शाम को गर्मी में चाय पीने की इच्छा नहीं होती, मगर ये इन्होंने बनवाई तो मैंने कहा पी लेते हैं। दोस्तों, ऑफिस के बाद घर की चाय एक बचपन से आदत रही है, तो एक एनर्जी फील कराती है, एक अच्छा मूड करता है, तो इसलिए चाय पीता हूँ। तो दोस्तों, चाय वाय हो चुकी है, और चाय पीने के बाद मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, और कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए और जा रहा हूँ मंदिर। आज मंगलवार है ना, हर मंगलवार कोशिश यही रहती है कि भगवान जी के मंदिर चले जाए, मंगलवार सप्ताह में 2 दिन कोशिश रहती कि मंदिर चला जाऊँ, एक इस्कॉन मंदिर और एक यहाँ पर। तो गुड़िया से वही पूछ रहा हूँ कि क्या लाना, तो गुड़िया नहीं जा रही हमारे साथ, वो कह रही जब तक मैं खाना बना लेती हूँ, तो मेरा टाइम भी हो रहा है, मैंने कहा चलो ठीक है, वरना देर हो जाती है ना खाना खाने में हम लोगों को। बस एक दो सब्जियां, और आज इन्होंने बिस्किट मंगाए थे, तो मैं बिस्किट भी ले आया। कबीर से कह रहा हूँ चलो मंदिर तो जा नहीं रहा है, तो मैं ही अकेले जाता हूँ, झट से प्रसाद चढ़ा के फिर मैं आता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमने प्रसाद चढ़ा लिया, हमने और कबीर ने, और प्रसाद चढ़ा के अभी हमने खीरा ले लिया है, और अभी बाकी सब्जियां, हाँ बाकी सब्जियां लेनी है, सब्जियां ले लेते हैं और फिर चलते हैं घर। इनसे पूछो कि कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लो, या तुम मना कर रही है, थोड़ी मन नहीं हो रहा, अभी पेट भरा है ना इसलिए। भाई देखिए, मार्केट में रश हल्का है, क्योंकि अभी अभी फेस्टिव टाइम खत्म हुआ है। ये हमारा मंदिर है हनुमान जी का, हम यहीं आते हैं हर मंगलवार को। और दोस्तों हम लोग जा रहे थे, कबीर का मनपसंद प्रोडक्ट दिख गया, एक आइसक्रीम का, तो ये आइसक्रीम लेने लगे, इनको आइसक्रीम बहुत प्यारी है। मम्मी के लिए भी चॉकलेट ले लो, एक चॉकलेट है ना, मम्मी के लिए ले रहे हैं अपनी, एक मन्नू के लिए भी, तो लेते हैं आइसक्रीम फिर चलते हैं, और देखते हैं कौन कौन सी दी आपने। एक चॉकोबार और दे दीजिए, 2 चॉकोबार, 1 पेस्ट दे दीजिए, 1 मन्नू को दे देना। इसने 3 आइसक्रीम लिए, 1 मन्नू के लिए, 1 मम्मी के लिए। चलिए। और फ्रेंड्स, कबीर और उसके पापा आ चुके हैं मंदिर से, और आते ही वो पाठ करने लगे हैं, क्योंकि आज मंगलवार है ना कबीर, और टाइम फ्रेंड्स 10 बजने वाला है, तो मैंने कबीर को खाना दे दिया था। और ये देखिए, कबीर ने अपना डिनर फिनिश कर दिया है, और डिनर करने के बाद ये खा रहे हैं अपनी आइसक्रीम। तो इनकी फ्रेंड आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, गाइस बहुत दिन बाद आइसक्रीम खा रहा हूँ, ये फीस्ट मेरी फेवरेट।
और ये मेरे लिए भी लेके आया, मैं अभी खाना खाने के बाद खाऊंगी आइसक्रीम। और देखिए पार्ट कर रहे हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी पार्ट की, है ना। और फ्रेंड्स मुझे भूख लग रही है, जल्दी से पार्ट करें तो मैं भी खाना खाऊं। और मैंने कबीर को पहले दे दिया, मैंने कहा ये खा के सो जाए क्योंकि कल है इसका स्कूल, है ना। और कल कबीर के लिए सरप्राइज़ भी है एक, तो वो कल के व्लॉग में पता लगेगा, है ना कबीर। कुछ तो सरप्राइज होगा, इसको अभी अंदाज़ा नहीं है, है ना। और वो जल्दी से पार्ट करें, मुझे बहुत भूख लग रही है अभी, है ना। फोकस है इनका आइसक्रीम। तो चलिए ये पार्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों रात बज रहे हैं 11:20 और 11:20 पे बनी है कॉफ़ी। हम सबका खाना हो चुका है और कॉफ़ी बनने का कारण है बड़ी वाली दीदी आई हैं आज। वो गई थी विंध्याचल, वहाँ से प्रसाद लेके आई हैं। ये देखिए, है ना, खाना पीना सबका हो चुका है। दीदी और गुड़िया बात कर रही हैं। ये देखिए दीदी आई आई है 11:15। हाँ, दीदी ध्यान नहीं दी, 11 बहुत देर से आए हम घर से ही। 11:15 बहुत दिन के बाद निकले ही, सोचो घर से होली के बाद ना। हाँ, वो तो इमरजेंसी वहाँ विंध्याचल चले गए तो उसी का ही प्रसाद लेके आए। उसके बाद फिर उधर तो प्रसाद हम सब ने खा लिया है, अब कॉफी चल रही है। बनाती नहीं मैं, वो दीदी की वजह से मैंने बना दी। इसी बहाने मुझे भी हार्डली 4 घूंट होगी। और कबीर अपसेट है कि मैच था आज बेंगलुरु और लखनऊ का, वो बेंगलुरु का सपोर्ट करता आरसीबी को, वो हार गई उनकी टीम, मेरी टीम जीत गई है। और ना तो इसी चक्कर में लेट गया, काफी अपसेट है वो। फ्रेंड दीदी जा चुकी है और ये सो गए थे, मैं लेट गया था, उनसे मिल भी नहीं पाया, बाय भी नहीं कर पाया उनको। कबीर भी सो गया था क्योंकि 12 बज रहे हैं ना, दीदी को भी पता नहीं लग पाया कि टाइम इतना हो गया है। तो मैंने इनको अभी उठाया, मैंने कहा कम से कम व्लॉग का एंड तो कर दो, है ना। तो फ्रेंड्स आपसे करते हैं हम लोग गुड नाइट, आपसे मिलते हैं कल एक नई वीडियो के संग। और कबीर के लिए कल एक सरप्राइज़ है जैसा आपको बताया था, है ना। हाँ, वो कल मॉर्निंग में पता चलेगा, बहुत अच्छा सरप्राइज है। और सेकेंडरी थैंक यू सो मच शॉर्ट्स के लिए, आप लोग शॉर्ट्स बहुत पसंद कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स और ब्लॉग दोनों डालें हम लोग। बहुत बहुत थैंक यू जो इंडिया से भी देख रहे हैं और जो इंडिया के बाहर भी देख रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हमारा चैनल और हमारे जो आप शॉर्ट्स पसंद कर रहे हैं। इंडिया के मतलब जो भी हमारे थाउजेंड्स, अब ज्यादा टाइम नहीं है थाउजेंड सब्सक्राइब होने में ना, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे तो बहुत खुशी होती है जैसे एक एक करके अपने आप बढ़ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो जैसे जैसे हमारा ये चैनल मतलब सब्सक्राइब हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। और ये सब आप लोगों का प्रेम और सपोर्ट है। बस फ्रेंड्स आप अपना ऐसे ही सपोर्ट, अपने ईश्वर का आशीर्वाद बनाए रखिए हम सब। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट हमको देते रहिए क्योंकि हम लोगों ने इस यूट्यूब चैनल, हमारे बच्चे की तरह है ऐसे, हमने बड़े प्यार से और उससे नाजू से पाल रहे इसको और काफी उम्मीद और सपनों के लिए पाल रहे हैं। इससे हम लोगों ने बहुत सपने देखे जो हमारे सपने पूरे हो सकते हैं ना, बिल्कुल। और आप लोग ही कराएंगे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से दिल से धन्यवाद देते हैं। और कल मिलते हैं आप लोगों से एक नए सरप्राइज के साथ मॉर्निंग में, ठीक है ना दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें मस्त रहें। गुड नाइट करते हैं, शुभ रात्रि। और कबीर अगर जग रहे हो तो गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। जग रहा है, पंखा बंद किया ना फ्रेंड्स, इसलिए जग गया। हाँ ठीक है, गुड नाइट।